हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रसोई ऑन ट्यूब में। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। बहुत ही इजी तरीके से हम इस हलवे को बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने लिया है गाजर 900 ग्राम, दूध आधा लीटर लिया हुआ है, घी हम लेंगे 2 बड़े चम्मच, चीनी मैंने ली है 140 ग्राम, ड्राई फ्रूट्स में हम लेंगे बादाम, काजू, पिस्ता और इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच। यहाँ पर हम कढ़ाई को हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देंगे। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए, हम इसमें घी डाल के गैस को मीडियम फ्लेम कर देंगे। यहाँ पे घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड किए हुए गाजर। अब हम इन गाजरों को घी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है। बीच बीच में इसे चलाते रहे। दस मिनट बाद अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी। दूध डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लें। अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पका लेना है। अब मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं कढ़ाई को कवर करके 8 से 10 मिनट के लिए इसे पका लूंगी। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, तो यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। अब हमें इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे से पका लेना है। 5 मिनट बाद गैस का फ्लेम बंद कर दे और लीजिए, हमारा गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन प्रेस कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।